बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के हट्टा मंडल में आज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के कामठी विधायक टेकचंद सावरकर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारे बूथ कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र के प्रभारी, संयोजक और सह संयोजक सभी एकजुट होकर कार्य करेंगे तो निश्चित ही हम एक बार फिर परसवाड़ा में जीत का परचम लहराएंगे। हमारी सरकारों ने हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया है और शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर खेती किसानी को लेकर उन्नत विकास भी हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल, बूथ और सेक्टर पदाधिकारियों के बीच पहुंचकर उनकी तैयारियों को समझने के लिए भेजा गया। यहां आकर मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ता काफ़ी संगठित है और वे क्षेत्र के विधायक और आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावरे की जीत के लिए गाँव-गाँव में कार्य कर रहे हैं। साथ में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन से पूर्व नवेगांव चौक से हट्टा तक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हट्टा मंडल के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह रैली लोहारा में बालाघाट जनपद अध्यक्ष फूलचंद सहारे के गांव पहुंची, जहां पर हनुमान मंदिर में पूजा के बाद कार्यकर्ताओं ने भोजन किया। तत्पश्चात हट्टा में आयोजित मंडल कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। इस मौके पर प्रमुख रूप से भाजपा नेता महेंद्र सुराना, टीडी वैद्य, वेद प्रकाश पटेल, देवी चरण पारधी, चित्रसेन पारधी, दादा भैया, नितेश सोनेकर सहित बूथ मंडल और सेक्टर के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस एमपी की सरकार आज ताकत से काम कर रही और इस परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक इस राज्य के कौन है? एमपी है। काहे के लिए एमपी है? वो भोपाल में जाके बैठने के लिए एमपी है? नहीं, ये पहली बार मंत्री बने और पहली बार जिसको चमत्कारी हनुमान जी होते हैं क्या? नहीं, वैसे चमत्कारी विकास करने का काम हमारे मंत्री जी ने किया है। ऐसा मैं तीनों ब्लॉक के लोगों से सुन रहा हूं। सही बात है क्या? सही बात है।